यमुना बिहार में 25 साल की नवविवाहिता की रहस्यमय ढंग से हुई मौत, जांच जारी। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर मौत का आरोप। लड़की के परिवार के लोगों का कहना पुलिस नहीं कर रही ठीक से सहयोग। शाहदरा पुलिस ने सुलझाया 50 लाख की चोरी का मामला। चांदनी चौक के ज्वेलर के यहां हुई थी 50 लाख की चोरी। बदमाशों के पास से बरामद हुए 2,06,000 रुपए। आनंद विहार इलाके में महिला के साथ हुई झपटमारी। बदमाशों ने छीना महिला का फोन। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। नंद नगरी पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश चलाकर लोगों को पकड़ा। पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। पुलिस ने बरामद की चोरी की मोटरसाइकिलें और एक मोबाइल फोन। और पूर्व दिल्ली में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान। बढ़ रही हैं मुसीबतें। इलाके में लगातार पनप रहा है बीमारियों खतरा। कई दिनों तक पानी न आने से लोग परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एक नवविवाहित की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाने के बाद से ही इलाके में कोहराम मच गया है। इस घटना के बाद से ससुराल वाले मौके से फरार हैं। कृष्णनगर के घोंडली गांव की रहने वाली प्रीति चौधरी के परिजनों का कहना है कि उसके ससुराल वाले बेटी प्रीति से कभी गाड़ी मांगते थे तो कभी पैसों की डिमांड किया करते थे। प्रीति अपनी माँ से जब भी बात करती थी तो पता चलता था कि फोन स्पीकर पर है, इस वजह से पूरी बात नहीं कर पाती थी। वहीं प्रीति के परिजनों ने बताया है कि अभी तक पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। पहले IO कोई और था, लेकिन अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर दूसरा IO भेजा गया है। परिवार ने बताया कि हमें गुमराह किया जा रहा है। भले ही FIR दर्ज कर ली गई हो, लेकिन पूरी तरह से पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद प्रीति के परिजनों ने उसका शव है पुलिस ने उसको सौंप दिया है, और लेकिन जांच पड़ताल अभी भी जारी है। सब लच्चर सब मिले हुए, लड़के पक्ष से मिले हुए हैं। ये SHO साहब ने कहा था 99% कल पकड़ लूंगा एक दो घंटे में, जो कि नहीं पकड़ गया। IO बदल दिया गया, बोल रहे हैं जी कभी कॉल आ रही है कभी कहीं जा रहे हैं। ये उनसे मिले हुए हैं, ये सब उनको खबर दे रहे हैं क्या क्या लिखवा रहे हैं। कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही। हम कल से परेशान हैं, मेरी लड़की कल 12 बजे से डेथ है और हम परेशान हैं। अपनी बॉडी लेने के लिए और कार्रवाई करने के लिए हम हाथ जोड़ रहे हैं। पैसे खाए हुए हैं SHO साहब ने, बोले थाने ने पैसे खाए हुए हैं, नहीं हो रहा, बिल्कुल डिले कर रखा है उन्होंने। हाँ, ये लटका रहे हैं। पहले IO कोई और था और उसको बदल दिया गया। अभी इसको आज ही सुबह 3 घंटे पहले इसको केस दे दिया गया। अब जो हम कल कंप्लेंट लिखवा के आए थे, हमसे दोबारा नाम पूछे जा रहे हैं। कल क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता उसका। 12 बजे मेरी बहन की डेथ हो गई थी, तो कल हम सारी रात वहीं थे, हमने सारा कंप्लेंट हमने लिखवाई थी। 2 बजे दिए, हमसे दोबारा वही पूछा जा रहे हैं। IO बदल दिया तो कुछ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चांदनी चौक के ज्वेलर से 50 लाख रुपए का सोना लूटने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ और क्राइम ब्रांच ने अलग अलग इलाकों में लूट में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कारोबारी गत 1 दिसंबर की रात को 900 ग्राम सोना लेकर अपनी कार से अपने घर जा रहे थे। जब उन्होंने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से यमुना नदी पार की, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें घेर लिया। इसके बाद आरोपियों ने हथियार के बल पर उनकी कार के शीशे तोड़कर सोना लूट लिया और फरार हो गए। सोने की कीमत 50 लाख रुपए थी। बदमाशों के पास से 2,06,000 रुपए, वारदात में इस्तेमाल एक कार, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 2 पिस्तौल बरामद की गई हैं। फिलहाल लूट के 2 मोटरसाइकिल फरार हैं, पुलिस उन्हें दोनों को तलाश में जुट गई है। ये जो लूट है 900 ग्राम्स का जो गोल्ड है, जो हुआ है 1 दिसंबर शाम को 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के आसपास जो हुई थी, जो गीता कॉलोनी पुल के पास। ये हमारा जो विक्टिम है, ये कुच्छा महाजनी चांदनी चौक में ज्वेलरी का दुकान है, वहाँ से ये 900 ग्राम का जो गोल्ड लेकर अपना घर जा रहा था। प्रीति विहार में इनका घर है। इनको वहाँ से 2 मोटरसाइकिल में, 1 मोटरसाइकिल में 2 बंदे, दूसरी मोटरसाइकिल में 3 जन, इन्होंने वहाँ से फॉलो करते करते जैसे यमुना पुल जो क्रॉस किए हैं गीता कॉलोनी पुल की तरफ,
इन्होंने वहाँ जो आगे वाला मोटरसाइकिल इनको एक सामने जाके रोक के फिर पिस्टल दिखाकर धमकाया। फिर जैसे इन्होंने गाड़ी रोका, पीछे से और एक मोटरसाइकिल में 3 जन आए, फिर इनका जो गोल्ड है उसको लेके भागे, फरार हो गए। उसके बाद जैसे पीसीआर कॉल इन्होंने किए, उसमें तुरंत SHO, ACP, DCP सब मौके पे पहुँचे। पहुँच के जो अपना जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने तुरंत जो मुकदमा दर्ज किए। उसके बाद अपना जो मल्टीपल टीम हमने बनाया, एक गीता कॉलोनी SHO के अंडर में क्रैक टीम इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। हमने स्पेशल स्टाफ को भी हमने रोप इन किए हैं। साइड बाई साइड जो दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच, इन्होंने भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किए हैं। इसमें काफ़ी जो हम मेहनत करके CCTV फुटेज, टेक्निकल जो मोबाइल डेटा एनालिसिस, बाकी सारे जो हम करके फाइनली जो हम कल 4 जन को हमने अप्रीहेंड किए हैं। जो इसमें 2 बंदे जो मास्टरमाइंड है मेन, जिन्होंने प्लान किए हैं इंसिडेंट को, उनको भी हमने पकड़ लिया है। दूसरा जो एक आगे वाला मोटरसाइकिल में जो गाड़ी को रोका, पिस्टल दिखाकर जो धमकी दी है, वो 2 बंदे को भी पकड़ लिया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के आनंद विहार इलाके में बदमाशों ने एक महिला से फोन झपट लिया। पीड़ित नेहा बग्गा की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। नेहा एक निजी कंपनी में काम करती है और रविवार को वह किसी काम से पैदल घर लौट रही थी, तभी बदमाशों ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी जिले के क्षेत्र में सड़क पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और ऑटो लिफ्टर पर नजर रखने के लिए चल रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत रणनीतिक स्थानों पर रैंडम पिकेट तैनात किए जा रहे हैं। 11 दिसंबर को नंदनगरी के क्षेत्र में गश्त करते हुए एक पुलिस दल, जिसमें SC सुभाष और कांस्टेबल शामिल थे, ऐसे में उन्हें 2 शातिर अपराधियों के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद SHO नंदनगरी की देखरेख में एक पुलिस टीम ने 212 बस स्टैंड के पास जाल बिछाया। करीब 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति बस स्टैंड के पास रुके। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने रोक घेर लिया, जिस पर पुलिस की मौजूदगी को भांप कर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उनके पास से एक बटन सक्रिय चाकू, चोरी की 3 मोटरसाइकिलें और चोरी का 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गंदे पानी की समस्या से पूर्व दिल्ली के लोग काफी जूझ रहे हैं। कहीं पानी गंदा आता है तो कहीं आता ही नहीं। शाहदरा और आसपास की गलियों में गंदे पानी से लोग परेशान हैं, तो वहीं कई दिनों तक पानी ना आने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही पानी गंदा होने की वजह से बीमारियों का खतरा भी लोगों पर मंडराता जा रहा है। जिस तरह केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में आज देख रहे होंगे कि किस तरह गंदा पानी आ रहा है, यहाँ तक कि सुबह आज एक टाइम पानी भी आता है और वो भी गंदा आता है। बाई चांस अगर दिक्कत हो, किसी को अगर ज़रूरत हो पानी, तो पानी सुबह ही सुबह आता है, अगर सुबह भर लिया तो ठीक है, अदरवाइज पानी के लिए तरसना पड़ता है। गंदा पानी है, पीने लायक पानी भी नहीं है। केजरीवाल के मंत्री कहते हैं कि हम दिल्ली में गंगा जल दे रहे हैं, और अभी सुनने भी आ रहा है कि 2 दिन के लिए पानी नहीं आएगा, तो हम किस तरीके से जो है दिल्ली में जो पानी नहीं दे पा रहे केजरीवाल जी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या भी है, तो इस पर केजरीवाल जी अगर चिंता करें तो मुझे लगता है कि बेहतर दिल्ली बन पाएगी। दिल्ली एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत समस्याएं खड़ी कर दी है। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर गंदा पानी भेज रहा है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उससे मर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिल्ली को गलत पानी दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, और दिल्ली की जनता आपको इस चीज़ का जल्दी जवाब देगी। केजरीवाल जी के जो आप पीने का गंदा पानी सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली में, इसके बारे में भी कुछ सोचें। बहुत लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत बीमारियां हो रही हैं। MCD द्वारा GTB अस्पताल के बाहर से कई बार अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन फिर भी वह अतिक्रमण अक्सर देखने को मिलता है। कई बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद GTB अस्पताल के बाहर फिर से अतिक्रमण लग जाता है। हमने अस्पताल के बाहर जाकर लगी दुकानदारों से बात की, तो उनका कहना था कि GTB अस्पताल के बाहर वाली सड़क पर लगभग 8 दुकानों को सरकारी परमिशन मिली हुई है,
जो कि दुकान फुटपाथ के ऊपर लगती है। उन दुकानों के साथ साथ अवैध तरीके से रेडी पटरी वाले भी लगाते हैं, जिसकी वजह से अतिक्रमण ज्यादा फैल जाता है और जाम की समस्या बनी रहती है। समस्या बहुत है, रेडी पटरी तो वो नीचे लग रही है, नीचे लग रही है। वो पुलिस वाला तो 250 रुपए ले है, 250 रुपए रेडी लगवा रहा पूरी। अच्छा, पुलिस वाला हर रेडी से 250? हां, 250 रुपए हर रेडी पे ले रहा पुलिस वाला, और नीचे रेडी लगवा रहा है। सॉरी, बहुत समस्या है यहाँ से, जाम से काफी टाइम लग जाता, कभी जाम लग भी जाता कभी ना भी लगता, ऐसे ही है ना, रोज तो नहीं कह सकते, ऐसे भैया टाइम तो लगता ही है। फिर गाड़ियों की और जाम की बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे, और अंदर दवाई नहीं मिलती ढंग से, शाम हो जाती है, रिक्शों का जाम लग जाता, गाड़ियों का जाम लग जाता है। कोविड के समय से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, जिससे उनकी पढ़ाई पर तो असर पड़ रहा था, साथ ही उनके व्यवहार पर काफी असर देखने को मिलता था। इस पर टीचर्स का कहना है कि जब स्कूलों को फिजिकल मोड से शुरू किया गया तो बच्चों में काफी चिड़चिड़ापन, एग्रेशन और आर्गुमेंट करने जैसी हरकतें देखी गई, जिससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर भी असर पड़ा। वहीं पेरेंट्स का मानना है कि बच्चों को हर वक्त मोबाइल की लत लग गई है, पहले फोन मांगते थे उसके बाद काम करते हैं। एक्चुअली देखिए, फिजिकल और वर्चुअल क्लासेस का ये डिफरेंस रहा है कि बच्चे जब नहीं प्रेजेंट होते सामने तो वो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अब ये है, अब स्कूल में आना शुरू हुए हैं बच्चे, तो दे आर कमिंग बैक। हाँ, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आई है, जैसे कोई भी काम को करने की सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, क्योंकि वो फिजिकली तो पहले आ नहीं रहे थे, अपने घर से कम्फर्ट जोन में थे वो, तो अभी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं एंड दे आर इम्प्रूविंग। और हमारी टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, और हार्ड वर्किंग है टीचर्स, कर रही हैं। ज़्यादा डिफरेंस आया है बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों में अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि वो बच्चे वन टू वन मतलब आर्ग्यूमेंट्स करने पर आ गए हैं। मुझे नहीं पता वो घर पर कम्फर्ट जोन में थे या क्या था, बट घर पर या तो वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाई या इस चीज़ को वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो ऑनलाइन, क्योंकि उनका कम्फर्ट जोन था, वो जब मर्जी उठते थे, जब मर्जी खाते थे, टाइम टेबल जो स्केड्यूल्ड था उनका पूरा, वो स्केड्यूल खराब हो चुका है बच्चों का इस टाइम तो बिल्कुल भी। पढ़ाई में इसलिए बच्चे वीक हुए हैं क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस उनकी बिल्कुल छूट चुकी है, राइटिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। इवन 10th क्लास तक के बच्चे भी ये बोलते हैं कि मैम लिखने में प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि घर पर जब वो थे तो उन्होंने राइटिंग बिल्कुल नहीं की है, प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है। अब आगे 10th क्लास बोर्ड आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनकी राइटिंग स्पीड को बढ़ाएं। डिफरेंस क्या यही है कि डिमांड तो है, ये खाना खाते टाइम मोबाइल चाहिए, और मतलब चाहिए है ना, टाइम पास करने के लिए भी मोबाइल ही चाहिए। छोटे-छोटे भी बच्चे हो गए हैं कि अगर मोबाइल नहीं मिलता है। हाँ, ये तो है, तो फिर तो शोर ही मचाएंगे ना बच्चे कि चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, जितना टाइम मिलना चाहिए पढ़ाई को उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मोबाइल, फिर बच्चों रोना झगड़ना गुस्सा हो जाता है, तो फिर वो देना ही पड़ता है उसको, चलो थोड़ा ये देख लो आप फिर पढ़ाई कर लेना। अब ये कह दो कि पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है, या फिर ये कह दो कि थोड़ा सा ये हो जाता है कि उसका मूड थोड़ा वो हो जाता है कि चेंज हो जाता है कि चलो इसके बाद में पढ़ाई कर लूँगा। मैम बिहेवियर में तो बहुत चेंजेस है, क्योंकि मैम एक जो स्टूडेंट है, एक देखा जाए छोटा हो या बड़ा हो बच्चा, तो एक ऑनलाइन जो जब क्लासेस हो रही थी बोर्ड फील कर रहा था, बट अब जब से स्कूल में आने लग गया है वो तो मेंटली भी और डेवलप भी हो रहा है मैम, हर चीज़ फिजिकली भी मैम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बल्कि ऑनलाइन तो बिल्कुल वर्स्ट था, अब जो फिजिकली बच्चा स्कूल में आता है ना वो ज़्यादा बेस्ट है, बच्चा बहुत खुशी खुशी आता है, खुशी खुशी जाता है यहाँ से, क्योंकि स्कूल में एटमॉस्फेयर जो है ना बहुत अच्छा है, तरह तरह के बच्चे मिलते हैं, बच्चे एक फ्रेंड सर्कल जो होता है ना उससे बच्चों को बहुत बेनिफिशियल है, सीखना भी अच्छा है। हाँ, स्टार्टिंग में आप किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हो तो थोड़ा बहुत तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बट अब फिजिकली सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बच्चा खुशी खुशी उठता है, खुशी खुशी आता है, उसे पता है स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, बच्चे के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी ना, सब कुछ बहुत बढ़िया है इस टाइम। नोएडा में लगातार कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पालतू कुत्तों ने लोगों पर अटैक कर दिया, आसपास घूमते हुए लोगों को काट लिया, और लगभग सभी मामले पालतू जानवरों के थे। वहीं जब ऑनर अपने पेट को बाहर खुले में घुमाते हैं तो अक्सर वो जानवर बाहर खुले में गंदगी फैलाते हैं, ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने जुर्माना लगाकर इस पर रोक लगाने की पहल की है। इसी संबंध में जब हमने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि दिल्ली जैसे शहर में भी ये नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कोई कुत्ते पालने का शौक तो रखता है, लेकिन जब खुले में गंदगी फैलाने के लिए मना करो तो डॉग ऑनर कुत्ते से कटवाने की धमकी देते हैं, ऐसे में जिस तरह से झगड़े होते हैं उस पर रोक लग सकेगी।
देखो जो पालतू कुत्ते हैं, जो उनके ऑनर हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि भी हाँ उनकी एक प्रॉपर जगह हो, उनको शिट कराने जा रहे हैं तो बाहर एक जगह पे जाएं। ये नहीं है कि भी आप जहाँ मर्जी उन्हें खुला छोड़ रहे हैं और उसके बाद में उसे जहाँ मर्जी करा के, मतलब अपना घर साफ रख के दूसरों के घर के आगे गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि ऐसा जनरली मैंने देखा है, मेरी खुद की गली में 4 से 6 घर ऐसे हैं जिन्होंने पाल रखा है, लेकिन आफ्टर दैट अपने घर को छोड़ के वो दूसरों के स्कूटर बाइक के ऊपर या मतलब समझ रहे हैं दूसरे घर के बाहर कॉलोनी में कहीं पर भी, तो ये चीज़ गलत है। अवेयर होना चाहिए। देखो जितनी साफ सफाई रखोगे सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। शीट करने के लिए बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ये कुत्तों को ही ना बांध के रखना चाहिए। जो भी पालतू कुत्ते हैं उन्हें जंजीर से बांध के रखना चाहिए और खुला नहीं रखना चाहिए। जो किसी के काट हैं तो वो बंधे रहेंगे तो काट नहीं पाएंगे जल्दी से। जुर्माना तो होना चाहिए। जब कुत्ता किसी का काटेगा तो वो मर जाएगा तो फिर क्या होगा? कुत्ते का जहर तो बहुत ख़तरनाक है, उन्हें डर बना रहता है, कोई पास से निकले तो डर रहता है कहीं काट ना ले, तो इसलिए उन्हें बांध के रखना चाहिए जंजीर से, खुले नहीं छोड़ना चाहिए। उनके ऊपर MCD की जिम्मेदारी है, उन्हें पकड़ के जहाँ भी छोड़ना है उन्हें छोड़े, जो भी करना करे। वो तो करते ही हैं, जानवर है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, पर वो MCD वाले जो अपना काम है वो करें बस, और क्या है। नियम तो लाया जाए। वो कुत्ते काटने से तो बहुत नुकसान है, इंजेक्शन लगवाओ, ये करो, वो करो, कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है मेरे जानने वालों की। दिल्ली नगर नियम के नियम के अनुसार यदि कोई डॉगी पालता है तो उसका लाइसेंस लेना आवश्यक है, उसका टोकन लेना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो दिल्ली नगर नियम के कर्मचारी उस डॉगी को उठा के ले जा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप डॉगी को बाहर घुमाने के लिए लेके जाए तो उसके मुंह पे मास्क होना चाहिए, उसके गले में टोकन होना चाहिए, और यदि वो कहीं पट्टी करता है तो उसको पट्टी का इंतजाम उठाने का आपको ही करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि आपके डॉगी के मुंह में मास्क नहीं होगा और उसे किसी को काट लिया तो उसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुंदर नगरी में मुर्गा मंडी एसोसिएशन द्वारा क्षेत्रीय नवनिर्वाचित निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल का बैंडबाजों से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मोहिनी जीनवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो विश्वास सुंदर नगरी की जनता ने उनके ऊपर किया है उस पर और अरविंद केजरीवाल के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। मेरा मकसद केजरीवाल की 10 गारंटी को पूरा करना है, क्षेत्र की सफाई और लेंटर पर उगाई को समाप्त करना होगा। MCD चुनाव का नतीजा 7 दिसंबर को आया था। जीते हुए पार्षद का कहना है कि जल्द से जल्द मीटिंग को बुलाना चाहिए जिससे चल रहे कामों में बाधा ना आए। अभी तो शपथ नहीं दिलवाई गई है, शपथ दिलवाने के बाद ही मीटिंग तुरंत की जाए। LG साहब जो है उनके पास फाइल चली गई है नोटिफिकेशन के लिए, तो अब किसी वरिष्ठ निगम पार्षद को वो शपथ लेने के लिए नॉमिनेट करेंगे। सभी निगम पार्षदों की शपथ होगी, उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, फिर जो है जोन, और उसके बाद लोकल कमेटियों का चुनाव करके और विधिवत काम चालू होगा। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस महीने की बैठक जल्दी से जल्दी हो जाए इसके लिए ही प्रयास चल रहा है। नियम जो 1957 में बने थे MCD के, उसके हिसाब से हर माह एक बैठक होना जरूरी होती है निगम के हाउस की, और पहली बैठक निगम के पार्षदों के चुने जाने से कम समय में हो जानी चाहिए। और कम से कम समय का मतलब ये होता है कि जैसे सूची बन जाए तत्काल, अगर कोई कारण नहीं है तो डिले नहीं होना चाहिए, और कोई डिले हो भी तो अपरिहार्य रूप से 1 महीने से आगे ये बैठक नहीं जा सकती। और पहली बैठक का एजेंडा भी निश्चित होता है कि उसमें सभी नए निगम पार्षदों को शपथ दिलाई जाती है और उसके तत्काल बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाता है। ये पहली मीटिंग का एजेंडा है, जो मीटिंग शुरू होने से कम 72 घंटे पहले तक सभी पार्षदों को मिल जाना चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।